अजित कुमार की फिल्म गुड बैड अगली का नया पोस्टर आउट। जी हाँ दोस्तों, मैं नौशाबा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एन बोली मीडिया में, जहाँ होता है आपका एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। दोस्तों, अजित कुमार इस समय कुछ चर्चित आगामी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में हैं। इनमें विदा मुयार्ची और रविचंद्रन की गुड बैड अगली शामिल है। जैसा कि पहले बताया गया था, स्टाइलिश स्टार गुड बैड अगली के लिए अपने सिग्नेचर ऑन स्क्रीन लुक और स्टाइल से ब्रेक लेने के लिए तैयार है, जिसे एक अनोखी एक्शन फिल्म माना जा रहा है। जैसे ही अजित कुमार ने फिल्म इंडस्ट्री में 32 साल पूरे किए, निर्देशक अधिक रविचंद्रन और टीम ने सोशल मीडिया पर गुड बैड अगली का एक नया पोस्टर जारी कर दिया। गुड बैड अगली फिल्म से जारी किए गए पोस्टर की बात करें तो अजित कुमार ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में 32 साल पूरे कर लिए हैं और इस खास अवसर पर गुड बैड अगली की टीम के सभी सदस्यों ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर गुड बैड अगली फिल्म का एक नया पोस्टर शेयर किया है। बता दें कि फिल्म के जारी किए गए नए पोस्टर में अजित कुमार को स्टाइलिश अवतार में दिखाया गया है। नए पोस्टर में अजित सॉल्ट एंड पेपर हेयर स्टाइल, स्टाइलिश धूप का चश्मा, सोने के आभूषण और कुछ दिलचस्प टैटू बनाए नजर आ रहे हैं। अजित कुमार के फैंस के लिए फिल्म को एक अनोखा अनुभव देने वाली है। बता दें कि गुड बैड अगली फिल्म में अजित कुमार के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। हालांकि निर्माताओं ने अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की है। वही फिल्म की रिलीज डेट की बात कर तो निर्माता इस बहुप्रतीक्षित फिल्म को पोंगल 2025 में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। देवी श्री प्रसाद जी ने फिल्म के लिए गाने तैयार किए हैं। वही अभिनंदन रामानुजम फोटोग्राफी के निदेशक हैं। अजित कुमार स्टारर फिल्म को प्रतिष्ठित तेलुगु प्रोडक्शन बैनर मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा किया गया है। वेल फ्रेंड्स, आप कितने हैं एक्साइटेड अजित कुमार की फिल्म गुड बैड अगली के लिए? हमें इस फिल्म से जुड़ी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।